Swayam Prabha. Digital India. Educated India. भारतीय राजनीति से संबंधित अपनी चर्चा के श्रृंखला में हम आज पृथक्तावाद विद्रोही गतिविधियों और भारतीय लोकतंत्र के बारे में बातचीत करेंगे पीछे हमने भारतीय राजनीति से संबंधित कई तरह के पहलुओं की चर्चा की है आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं या जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश कई तरीके की पृथक्तावादी गतिविधियों का शिकार होता रहा है मौजूदा समय में भी कई तरह की पृथक्तावादी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं पृथक्तावादी गतिविधियाँ और विद्रोही गतिविधियाँ कई बार एक साथ चलती हैं और कई बार ये अलग अलग भी हो सकती हैं लेकिन आ, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब हम एक ख़ास तरह की गतिविधि को पृथक्तावादी गतिविधि कह रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है अगर हम किसी एक खास तरह की गतिविधि को इंसर्जेंसी एक्टिविटी या विद्रोही गतिविधि के रूप में देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है और किस तरीके से भारतीय संविधान या भारतीय लोकतंत्र को इस तरह की गतिविधियों से चुनौती मिली है हाँ और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे आज के इस चर्चा में कि ऐतिहासिक रूप से इसका विकास किस तरीके से हुआ है या अलग अलग दौर में यह कैसे सामने आते रहा है अगर मैं अपनी पूरी चर्चा की रूपरेखा आपके सामने रखूँ तो सबसे पहले हम नेहरू युग में पृथकतावाद पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके बाद हम उत्तर पूर्व और पृथकतावाद यानी कि जो हमारे उत्तर पूर्व के है, राज्य हैं सात राज्य उनमें किस तरीके से पृथकतावाद की भावना विकसित हुई उसके बारे में विचार करेंगे हम पंजाब और कश्मीर के समस्याओं पर बातचीत करेंगे और एक विद्रोही गतिविधि के रूप में हम माओवादी विद्रोह का अध्ययन करेंगे और जैसे मैंने पहले बताया हम इस बात को समझने की पहले कोशिश करेंगे कि कैसे एक जो पृथकतावादी गतिविधि होती है वह आवश्यक रूप से विद्रोही गतिविधि होती है लेकिन हर विद्रोही गतिविधि जो है वो पृथकतावादी गतिविधि के रूप में नहीं होता है पृथकतावाद और आंतरिक विद्रोह से निपटने का रास्ता क्या हो सकता है हम इसके बारे में भी बातचीत करेंगे सबसे जो पहला बिंदु हमें आ, हमारे सामने साफ़ हो जाना चाहिए वह यह है कि पृथकतावाद और आंतरिक विद्रोह में जुड़ाव और अंतर है भारतीय राज्य पिछले सत्तर वर्षों से पृथकतावादी राजनीति के खिलाफ जूझ रहा है एक बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुभाषी और बहुधार्मिक देश होने के कारण उसकी राजनीतिक एकता और भारतीयता की पहचान लगातार प्रश्नांकित की जाती रही है देश के उत्तरी अर्थात पंजाब और जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के सात राज्यों में अलगाववादी या पृथकतावादी गतिविधियाँ किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी स्तर पर चलती रही हैं और जो विद्रोही गतिविधियां हैं और जो आंतरिक विद्रोह की जो पृथकतावादी गतिविधियाँ हैं उसके संदर्भ में हमें यह समझ लेने की ज़रूरत है इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले कि पृथकतावाद का मतलब यह है कि कोई एक ऐसा समूह है जो यह चाहता है कि एक निश्चित भूभाग भारत का हिस्सा ना रहे और वह एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बन जाए तो भारत के साथ जो अपना जुड़ाव है उसको लेकर ही ऐसे समूहों के मन में गहरी शंका होती है या कई मामलों में वो निष्कर्ष तक पहुंच चुके होते हैं कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उनकी परंपरा है उनके जनसंख्या की जो विशिष्टता है वह भारतीय राष्ट्र राज्य में सुरक्षित नहीं रह सकती है और उन्हें भारतीय राष्ट्र राज्य से अलग होकर एक देश बनाने की ज़रूरत है कई दफ़ा ऐसे समूह यह मानते हैं कि उनके क्षेत्र को जिस क्षेत्र को वो भारत से अलग करना चाहते हैं उसे ज़बरदस्ती भारत का हिस्सा बना लिया गया है तो पृथकतावादी या सीज़निस्ट जो ग्रुप्स होते हैं उनकी हमेशा ही यह इच्छा होती है कि वे भारत से खुद को अलग कर लें और एक अलग देश के रूप में खुद को स्थापित करें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो पृथकतावादी समूह हैं वो घोषित रूप से हिंसा का सहारा ना ले रहे हों मिसाल के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो अक्सर यह दावा करता है कि वह हिंसा में भरोसा नहीं करता है लेकिन अधिकांश मामलों में जो पृथकतावादी समूह होते हैं वो हिंसा के रास्ते को तरजीह देते हैं और इसके कारण से जहाँ तक पॉसिबल हो सके जहाँ तक मुमकिन होता है वो यह कोशिश करते हैं कि एक कानून व्यवस्था की समस्या भी भारतीय राष्ट्र राज्य के सामने उत्पन्न हो दूसरा जो विद्रोही गतिविधि जिसे मैंने कहा ख़ासतौर तो पर इस संदर्भ में मैंने माओवादी आंदोलन का जिक्र किया तो इस तरह की विद्रोही गतिविधियों में निश्चित रूप से यह कोशिश नहीं होती है कि भारत से अलग वो कोई एक देश बना लें बल्कि उसके स्थान पर उनका लक्ष्य यह होता है कि वो एक ख़ास तरीके से परिकल्पना जैसे व्यवस्था की करते हैं वैसी व्यवस्था बन जाए तो मिसाल के तौर पर जो माओवादी समूह हैं वो यह नहीं चाहते हैं कि भारत से अलग होकर वो कोई देश बनाए लेकिन वो यह ज़रूर चाहते हैं कि जो मौजूदा भारतीय राज्य है उस पर उनका कब्जा हो जाए और वो भारत को अपने हिसाब से एक अलग तरह के देश बनने की दिशा में ले जाए तो ये एक बुनियादी अंतर है हालांकि जो आंतरिक विद्रोह की गतिविधियाँ हैं वो कई स्तरों पर अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहती हैं कई बार हमें ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है जहाँ पर एक कोई समूह है जो कि हिंसा का रास्ता अपना लेता है और उसका मकसद यह नहीं होता है कि वो हिंदुस्तान से अलग एक देश बनाए बल्कि उसका मकसद यह होता है कि जो राज्य है उस राज्य के भीतर ही वो कुछ खास मांगों को पूरा करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर एक समय पर जब झारखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था तो कुछ समूह थे जो हिंसक साधनों का सहारा ले रहे थे क्योंकि उनका यह दावा था कि बिहार और केंद्र जो हैं वो उनके यानी कि झारखंड के, के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और झारखंड को कुछ नहीं देते हैं और जब तक वो हिंसा का रास्ते को नहीं अपनाएंगे वो उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो इस तरीके के कई आंदोलनों की एक श्रृंखला हम देख सकते हैं अपने देश में हमारी आज की जो चर्चा है उसमें मैं माओवादी विद्रोह की विशेष रूप से चर्चा करूँगा उसके इतिहास के बारे में कुछ हद तक किसान आंदोलन में या कुछ हद तक सामाजिक आंदोलन में मैंने चर्चा की है आज की जो हमारी चर्चा होगी उसमें हम मौजूदा समय में जो माओवादी संघर्ष है उसकी उसने किस तरीके से भारतीय राज्य की शांति व्यवस्था के लिए या भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया है उस पर मैं विचार करूंगा। तो आ, अगर हम अपने पृथकतावाद से संबंधित चर्चा पर वापस आएँ तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा संविधान है वह अपने राज्यों को संघ से पृथक होने संघ से अलग होने का अधिकार नहीं देता है इसलिए पृथकतावाद का झंडा उठाने वाली ताकतों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने में भारतीय राज्य को कोई हिचक नहीं होती है क्योंकि निश्चित तौर पर अगर कोई समूह यह कहता है कि तो वो देश से अलग होना चाहता है तो वो एक तरीके से देश की जो अखंडता है वो उसके खिलाफ काम कर रहा होता है और फिर वह देश की सुरक्षा का मामला बन जाता है तो ऐसे मामलों में भारतीय सेना ने बहुत बार हिंसक कार्रवाई करके या फिर जो आंतरिक स्तर पर जो पुलिस बल होते हैं उन्होंने भी हिंसक कार्रवाई का सहारा लेके ऐसे विद्रोहों को दबाने की कोशिश की है और कई मामलों में वो सफल ही रहे हैं इस टकराव के कारण नागरिकों को जान माल की भारी कीमत चुकानी पड़ती है और भारत का जो मानव अधिकार संबंधी रिकॉर्ड है वह भी दागदार हो जाता है मानव अधिकार से तात्पर्य है कि जो आम नागरिक हैं उनकी जो बुनियादी अधिकार हैं उनकी किस हद तक सुरक्षा की जाती है और जब भी कोई संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो दोनों तरफ से आ, कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिससे निर्दोष लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है और वो जो है वो एक तरीके से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और इससे देश की छवि भी खराब होती है तो जो हमारी चर्चा आज की है उसमें हम मुख्य रूप से उत्तर पूर्व के राज्यों पंजाब और कश्मीर की स्थिति पर बातचीत करेंगे और फिर माओवादी आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि हमारी चर्चा का स्वरूप क्या होगा अब अगर हम नेहरू युग में पृथक्तावाद की बात करें तो आ, हमें आ, यह बात आ, पता होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को यह बात पता भी हो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो देसी रियासतें थीं उन्हें यह मौका था कि वे भारत या पाकिस्तान किसी में से किसी एक में सम्मिलित हो सकती हैं और या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी चाहें तो बनाए रख सकती हैं लेकिन सरदार पटेल और जो दूसरे आ, आ, नौकरशाही से जुड़े हुए उनके सहयोगी थे और जो भारत सरकार के और लोग थे पर विशेष रूप से सरदार पटेल के प्रयासों से जो देसी रियासतें थीं वो हिंदुस्तान में शामिल हो गई और कई अन्य राज्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया कुछ राज्य ऐसे रह गए जहाँ पर आ, जो शासक थे जैसे कि कश्मीर में आ, वो हिंदू थे पर जनसंख्या मुस्लिम थी और हालांकि उस समय वहाँ की जनसंख्या के भीतर इस तरह की पृथकतावादी भावनाएं नहीं थी पर अलग अलग कारणों से इनका उभार हुआ मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि आरंभिक दौर से ही जब भारतीय राष्ट्र राज्य ने एक स्वरूप ग्रहण किया विभाजन के बाद तो उसमें कई सारे ऐसे क्षेत्रों को मिलाया गया जो कि ब्रिटिश दौर में अंग्रेजों के अधीन थे लेकिन वो अपने आप को स्वायत्त या स्वतंत्र मानते थे वह यह नहीं मानते थे कि जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है वो हिस, उसका हिस्सा है और कुछ अलग अलग तरह के जो रियासतें थीं वो थीं जो रियासतें भारत के मुख्य भूभाग में थी उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई खुद को भारत में मिला देने में और लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों में से कई राज्य जो हैं वो अलग अलग कारणों से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि उन्हें भारतीय राष्ट्र राज्य का अंग बना लिया गया है तो वहाँ पर इस तरह की समस्याएं पैदा हुईं वह नेहरू युग में बहुत ही मजबूती के साथ उभर कर सामने नहीं आई जवाहरलाल नेहरू ने इसको संभालने की कोशिश की और इसमें जो कई सारे विद्वान हैं उनका यह मानना है कि नेहरू युगिन राजनीति के दौरान पृथकतावाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने दो तरह के रवैये अपनाए पहला अलगाववादियों के गर्मपंथी हिस्सों की मांगों को पूरी तरह से ठुकराते हुए उनके साथ टकराव तो का रास्ता अख्तियार किया गया दूसरा मुमकिन होने पर उनके नरमपंथी तत्वों को प्रोत्साहित करते हुए बातचीत और लेन देन के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई अब गरमपंथी और नरमपंथी जो शब्द हैं वो हमेशा से ही प्रयोग में आ, आ, आते रहे हैं भारतीय की भारत की आज़ादी के संघर्ष को बताने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो आ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी एक आम समझ होगी कि गर्मपंथी का मतलब हुआ ज़्यादा रेडिकल और बहुत ज़्यादा बदलाव पर जोर देने वाले किसी भी तरीके से अपने दृष्टिकोण से समझौता ना करने वाले और नरमपंथी का मतलब हुआ कि संवाद पे और धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव लाने की बात करने वाले समूह या बात करने वाले नेता तो आ, जो नेहरू का दौर था उसमें यह कोशिश की गई कि जो गर्मपंथी तत्व हैं या जो किसी भी तरीके से अपने रुख से पीछे नहीं हटना चाहते हैं उनका दमन किया जाए लेकिन उनके भीतर से जो नरमपंथी तत्व है उनके साथ बातचीत की जाए तो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने हमेशा ही इसके बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश की है कि जहाँ तक संभव हो सके वहाँ संवाद हो लेकिन अगर संवाद नहीं हो सकता है तो पृथकतावादी या विद्रोही गतिविधि चलाने वाले समूहों के दमन का रास्ता भी भारतीय राज्य ने अख्तियार किया है तो 50 और 60 के दशक में नेहरू के दौर में जो यह दोहरी नीति थी उसके परिणाम स्वरूप पचास और साठ के दशक में भारतीय राज्य तमिलनाडु में उभरे द्रविण अलगाववाद का शांतिपूर्ण राजनीतिक हल करने में कामयाब रहा किंतु उत्तर पूर्व के असंतोष का सामना करने के लिए उसने फौज का सहारा लिया भारतीय राज्य के रणनीतिकारों की मान्यता थी कि उत्तर पूर्व का प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है इसलिए उस मोर्चे पर किसी तरह की ढील नहीं दिखाई जा सकती थी क्योंकि चीन की सीमा से अभी ची, चीन की सीमा से क्षेत्र लगा हुआ है तो यह महसूस किया गया कि वहाँ पर जो भारत की जो एक मज़बूत उपस्थिति है और जो वहाँ पर पृथकतावादी समूह हैं उनको बहुत हद तक नियंत्रित रखने या उसको उनको पूरी तरीके से दबा देने की जो रणनीति है वही वरीयता देने लायक है तो उसको अपनाया गया भारतीय राज्य के र, रणनीतिकारों की जो मान्यता थी और जो उनकी जो एक सोच थी उसके कारण से एक तरीके से जो स्वशासन का अधिकार देने के प्रति आमतौर पर नकारात्मक रवैया रखा गया हालांकि ये पूरी तरीके से सच भी नहीं माना जा सकता लेकिन अगर स्वशासन का मतलब हम भारतीय राज्य की जो पूरी भूमिका है उसको सीमित होने से लेते हैं तो हम यह ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि जो सीमा के क्षेत्र थे वहाँ पर सेना की उपस्थिति रही जो कि किसी भी राष्ट्र राज्य में स्वाभाविक है लेकिन अगर हम भारतीय राज्य की भारतीय संविधान को देखते हैं तो संविधान में शेड्यूल फाइव की शेड्यूल फाइव और सिक्स की व्यवस्था है शेड्यूल सिक्स जो है वह उत्तर पूर्व के राज्यों से संबंधित है और जो मैंने आदिवासी राजनीति से संबंधित एपिसोड किया है उसमें इनके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है तो हम ये देखेंगे कि शेड्यूल सिक्स में भी जो उत्तर पूर्व के चार राज्य हैं उन वहाँ पर आदिवासी समूहों को विशेष रूप से अधिकार दिए गए हैं कई उत्तर पूर्व के राज्यों में वहाँ के लोगों को बाहर के हस्तक्षेप से बचाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं तो कुछ हद तक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि ये जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें इस अर्थ में असुरक्षित महसूस ना करें कि जो बाहर की संस्कृति है उसके हमले से उनकी पहचान खत्म हो जा रही है लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिनका कि मैंने शुरू में उल्लेख किया मिसाल के तौर पर अगर कोई राज्य या कोई समूह हमेशा से ही खुद को स्वतंत्र मानता रहा हो या फिर उसे ऐसा लगे कि भारतीय राज्य के द्वारा उसके हितों की उपेक्षा हो रही हो या उसे ऐसे लगे कि एक राज्य के लोग उसके हितों की उपेक्षा कर रहे हैं और वो भारत से मुक्त हुए बिना अपने आप को पूरी तरीके से इस तरीके के शोषण से या इस तरीके के दोहन से मुक्त कर सकता है तो निश्चित रूप से ऐसे समूह पृथकतावाद की ओर आगे बढ़ते हैं नेहरू का जो रवैया था वह क्षेत्रीय नेतृत्व को पनपने देने का था एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस को अपने वर्चस्व पर भरोसा था लेकिन नेहरू युग के समापन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रविरोधी करार देने का अपना रवैया अपनाया और इसमें अगर हम आ, आ, थोड़ा सा पीछे जाएँ और हम कांग्रेस प्रणाली को याद करें जिसकी बात रजनी कोठारी करते थे जो कि नए समूहों को स्थान देने आम सहमति से समाधान निकाले निकालने इन सब पहलुओं से संबंधित था तो उसका प्रभाव भी अन्य सीमांत राज्यों में भी दिखता था और आमतौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी नेहरू को आ, इस तरीके की आवाज़ों को महत्व देने में या उनकी मांगों के साथ समझौता करने में तो हम यह कह सकते हैं कि जो पृथकतावादी प्रवृत्ति थी वो बहुत गहरे रूप में सामने नहीं आई लेकिन बाद के दौर में जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती गई कांग्रेस पार्टी के भीतर असुरक्षा की ग्रंथि पनपने लगी हर राज्य में कांग्रेस की ताकत को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ताकतों के साथ गिराने हेतु दाँव पेज खेले जाने लगे उग्रवादी राजनीतिक ताकतों को किनारे धकेलने के बजाय उनके साथ साँ की राजनीति की गई पंजाब के मामले में हम इसको देख सकते हैं और जब हम पंजाब के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो वहाँ मैं इस बिंदु को और ज़्यादा स्पष्ट करूँगा कि कैसे वहाँ पर जो क्षेत्रीय या सांप्रदायिक तत्व थे उनको केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने आरंभ में थोड़ा सा प्रश्रय दिया थोड़े बढ़ावा देने की कोशिश की और बाद में बल प्रयोग करके उनका दमन किया जिससे कि पंजाब की समस्या बहुत ही विकराल रूप में सामने आ गई और जिसका नतीजा खुद इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में सामने आया बहरहाल ये जो अलग अलग तरह की स्थितियाँ थीं उसमें जो असंतोष पनपा उसमें आ, राज्यों ने अधिक स्वायत्तता की मांग की और कुछ क्षेत्रों ने और कुछ क्षेत्रों में उग्रवादी गोलबंदी हुई पंजाब और कश्मीर से उठने वाली पृथकता की आवाजें इसी तरह की राजनीति का देन थी और जो एक महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ पर वह यह है कि यह जो पृथकतावादी प्रवृत्ति थी ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र में अगर वो पृथकतावादी प्रवृत्ति उभरी तो वो हमेशा कायम रही कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे कि पृथकतावादी प्रवृत्तियों का शमन भी हुआ और वहाँ पर यानी कि एक क्षेत्र विशेष में एक तरह की नॉर्मेलसी भी आई एक सामान्य स्थिति भी आई पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक समय में तमिलनाडु में भी कुछ समूह जो थे वो पृथकतावाद की ओर आवाज़ लगा रहे थे तमिल इलम की मांग का समर्थन कर रहे थे और यह प्रवृत्ति साठ के दशक में भी थी पर धीरे धीरे उन सब चीज़ों का शमन हुआ और एक सामान्य स्थिति आई जहाँ पर वह क्षेत्र और उस क्षेत्र में बसे लोग खुद को भारतीय राष्ट्र राज्य का अंग मानने लगे तो हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पृथकतावादी आंदोलन भी कुछ क्षेत्रों में उभरे कुछ क्षेत्रों में वो लंबे समय तक चले लेकिन कुछ क्षेत्रों में एक दशक के बाद या डेढ़ दशक के बाद उनका शमन हो गया और यह एक तरीके की उम्मीद भी सामने रखता है कि पृथकतावादी आंदोलनों को नियंत्रित किया जा सकता है वहाँ लोगों के भीतर जो असंतोष है उसका समाधान किया जा सकता है तो ये जो आगे के उदाहरण है ये उसमें ये बातें और ज़्यादा प्रमुखता से सामने आएंगी कि कैसे अलग अलग राज्यों के जो पृथकतावादी आंदोलन थे आ, उनका एक स्तर पर शमन हुआ या फिर वो अभी अगर जारी हैं तो किस रूप में हैं अभी हम उत्तर पूर्व और पृथकतावाद के बारे में कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे उत्तर पूर्व के राज्यों को सात विद्रोही बहनों के नाम से जाना जाता है मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वहाँ पृथकतावाद का मुख्य आधार शेष भारत के साथ उनकी जातीय भाषाई और सामाजिक भिन्नता में निहित है जिस भारतीय अस्मिता की चर्चा की जाती है वह उत्तर पूर्वी चेहरे मोहरे जीवन शैली और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए गुंजाइश छोड़ने में नाकाम रही है और यह इस विषय से थोड़ा सा इतर हो जाएगा लेकिन आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं अगर आप उत्तर पूर्व के अलावा किसी और देश के राज्य में उत्तर पूर्व के लोगों को देखते हैं तो वहाँ उन लोगों को बाकी लोग मिसाल के तौर पर दिल्ली में रहने वाले लोग या ऐसे ही दूसरे स्थानों के लोग हिंदुस्तानी के रूप में अपने स्वाभाविक भाई बहनों के रूप में स्वीकार करने में बहुत सफल नहीं हो पाते हैं और अमूमन ये लोग आ, एक घेरे में या एक जगह में उनकी एक कॉलोनी जैसी होती है वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं अगर स्टूडेंट हैं तो आम जो जनमानस है कई बार उन्हें आ, अलग अलग नामों से पुकारता है तो ये जो एक आम भारतीय राष्ट्र राज्य की परिकल्पना है और उसमें जो लोग हैं जो भारत की जो एक संस्कृति जो इसको हम मुख्य संस्कृति बोल सकते हैं वह जो विकसित हुई है वह ऐसे उत्तर पूर्व के पहचानों को बहुत ज़्यादा अपने में स्थान दे पाने में सफल नहीं रही है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हर जगह है और इसका एक जनरलाइजेशन किया जा सकता है पर उसमें एक कमी है हम इसे अपने रोज रोज के व्यवहार में भी देख सकते हैं और इस संदर्भ में जो कई तरह के अध्ययन आए हैं वह भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं तो यह जो एक अंतर्विरोध बार बार आता है वह और ज़्यादा गहरा हो जाता है अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की का राजनीतिक व्यवहार किया गया किस तरीके की प्रशासनिक गलतियाँ की गई उत्तर पूर्व के राज्यों के संदर्भ में उत्तर पूर्व का सबसे विशाल राज्य असम रहा है उसकी पेचीदगियाँ भी इस पृथक्तावाद की जड़ में हैं असम में हिंदू बनाम मुसलमान असमी बनाम बंगाली मैदान के वासी बनाम पहाड़ी आदिवासी गैर आदिवासी बनाम आदिवासी जनता बहिरागत आबादी बनाम स्थानीय जनता और बहिरागत से यानी कि बाहरी लोगों से यहाँ मतलब बिहार जैसे प्रदेशों से गए कुछ लोगों से भी हो सकता है और ख़ास तौर पर यह आरोप कि बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं और उन घुसपैठियों के कारण जिसमें कि कई बार मुस्लिम एंगल भी जुड़ जाता है उसमें से कुछ हिंदू भी हैं और इनके कारण जो असम की जो पूरी एक जनसंख्यक स्थिति है और जो एक जनसंख्यक स्थिति पहले रही है उसमें काफ़ी बदलाव आया है और उसमें उन तत्वों की वो तत्व कई जिलों में अल्पसंख्यक हो गए हैं जो वास्तव में असम से जुड़े हुए हैं तो ये ऐसे कई मुद्दे हैं जो असम के भीतर असंतोष की भावना को पैदा करते हैं लेकिन अगर हम असम की सरकार के खुद अपने पड़ोसी राज्यों के साथ व्यवहार या बर्ताव पर ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि कई गलतियां असम की सरकार के द्वारा भी की गई हैं और चूंकि यह प्रांतों या राज्यों के बीच का मसला था और उसमें फिर केंद्र ने चूंकि बहुत मजबूती के साथ दखलअंदाजी नहीं की तो इससे यह समस्या गंभीर बन गई मिसाल के तौर पर असम की सरकार ने नगा हिल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हुए समझौते का उल्लंघन किया और नगा नेशनल काउंसिल को इस इलाके की प्रमुख राजनीतिक ताकत की मान्यता नहीं दी अगर वो ऐसा कर देती तो शायद नगा समस्या विस्फोटक स्वरूप ग्रहण ना करती लेकिन इन संगीन गलतियों के बावजूद नेहरू की सरकार ने नरमपंथी नगाओं को प्रोत्साहित करके 1960 में पृथक नागालैंड की रचना करके इस समस्या के समाधान का श्रेयस्कर प्रयास किया अभी भी ये समस्या बनी हुई है आ, बहुत सारे जो नागा ग्रुप हैं आइजेक मोइबा ग्रुप और कई ऐसे समूह हैं जो कि देश के बाहर स्थित हैं नागालैंड में जो लोग हैं उनके भीतर भी इस तरह की भावना मजबूती से अभी भी भरी हुई है हम पृथकतावाद की भावना बोल सकते हैं उसके कई तरह के पहलू हैं मिसाल के तौर पर मिजोर मणिपुर के कुछ ज़िलों पर उनका दावा बनता है ऐसा वो मानते हैं तो एक नागालिंगम की बात कई बार कही जाती है और वो कुछ तत्वों के लिए एक अलग देश के रूप में होता है पर अधिकांश लोग उसको एक बड़े राज्य के रूप में देखना चाहते हैं कि जिन जिन ऐसा जो हुआ है कि नगा लो, लोगों का कुछ जिला अलग अलग राज्यों में है उसको एक साथ लाया जाए तो ये उनकी पहचान का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है हालांकि इस पर भी अभी कोई बहुत सुनिश्चित समाधान नहीं हो पाया है लेकिन फिर भी वह बहुत हिंसक आंदोलन या पृथकतावादी आंदोलन के रूप में नहीं है जो समस्या है नागालैंड के संदर्भ में वह यह है कि वहाँ वास्तविक अर्थों में लोगों के भीतर जो एक छले जाने की या उनकी पहचान के साथ खिलवाड़ की जो भावना है उसको ठीक किया जाए और इस संदर्भ में भारत सरकार कई समूहों से कई बार बातचीत करती रहती है बहुत ठोस रूप में उसका नतीजा अभी तक नहीं आया है लेकिन हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि नागालैंड में रोज़ रोज़ की जो हिंसा का एक जो माहौल होता है वह नहीं रहता है हालांकि बीच बीच में उसमें सेना की भूमि भूमिका होती है और बीच बीच में कुछ घटनाएं होती रहती हैं लेकिन वहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है जैसे कई अन्य क्षेत्रों में जहाँ पृथकतावादी आंदोलन चले हैं या चल रहे हैं रहती है मतलब कई बार कुछ दिनों के अंतराल पर हिंसक घटनाएँ लगातार हो रही हैं फिर भी नागालैंड एक तरह की समस्या का प्रतिनिधित्व तो करता है और उसे सुलझाने के भी प्रयास हुए हैं लेकिन अभी वो पूरी तरीके से सफल हो पाए हैं मुझे लगता है कि ऐसा दावा नहीं किया जा सकता दूसरे स्तर पर मिजोरम है इस तरह यानी मिजोरम में भी जो इसी तरह पचास पचास के दशक के उत्तरार्ध में पड़े अकाल के दौरान अगर असम सरकार ने मिजो इलाकों को पर्याप्त राहत दी होती तो मिजो अलगाववाद में भी ऐसी बढ़ोतरी ना होती उन्नीस में मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उन्नीस के बाद राजीव गांधी की सरकार ने मिजो बगावती नेता लाल डेंगा के साथ समझौता करके लंबे अरसे से चले आ रहे अलगावी अलगावादी विद्रोह को खत्म कर दिया जो कि एक तरीके से संवाद के साथ मामले को सुलझाए जाने का उदाहरण है उन्नीस में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला असम के बोडो इलाकों द्वारा की जाने वाली पृथकता की रक्त रंजित मांग का परिणाम भी अंत बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनमस काउंसिल के रूप में निकला इन समाधानों के बावजूद उत्तर पूर्व में अलगाववादी सशस्त्र विद्रोह की आग मंद मंद सुलगती रहती है ये जो मंद मंद सुलगने का जो ये जो शब्दावली है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एकदम से हिंसक बगावत की स्थिति नहीं दिखेगी लेकिन जो समूह हैं उनके भीतर यह भावना बलवती है कि उनकी अस्मिता के साथ न्याय नहीं हो रहा है दूसरे क्षेत्र उनके साथ शोषण कर रहे हैं या उनकी जो पहचान है उस पह वह पहचान भारत की जो एक मुख्य पहचान है उसका अंग नहीं बन रही है उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा है तो ये भावना कई राज्यों में मौजूद है और इसे स्वीकार करते हुए इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर भारत सरकार इस दिशा में आ, कई कदम उठाती रही है और अभी भी आ, वो इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है उत्तर पूर्व की एक अन्य उल्लेखनीय समस्या वहाँ की राजनीति और समाज में बंगाल की असाधारण उपस्थिति है बंगाल ने अपनी विकसित भाषा और संस्कृति के जरिए असम और त्रिपुरा को काफ़ी कुछ बदल दिया है और साथ में उसके खिलाफ राजनीतिक और सांस्कृतिक विक्षोभ भी पैदा हुआ है अस्सी के दशक की शुरुआत में असम छात्र संगठन आसू द्वारा चलाए गए बहिरागत विरोधी आंदोलन के पीछे असमी समाज में बंगाल विरोधी भावनाओं की भी भूमिका थी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा की विद्रोही गतिविधियाँ उन्नीस के दशक में काफ़ी बढ़ गईं ये मुख्य रूप से असमिया संस्कृति की सुरक्षा का दावा करता था और असमीय संस्कृति की यह जो सुरक्षा है जिसके बारे में मैंने पीछे संकेत दिया वह सिर्फ गैर असमी लोगों से संबंधित नहीं है वहाँ यह भी दावा बाद में किया गया कि ज़्यादातर जो बाहर से लोग आए हैं उनमें से बांग्लादेशी घुस बैठिए हैं तो ये एक तरीके से भारतीय राष्ट्र के खिलाफ जो षड्यंत्र है उसके नैरेटिव को भी प्रस्तुत करता है और जो उल्फा था उसने निश्चित रूप से यह तो बहुत मांग जोरदार तरीके से नहीं रखी कि असम एक अलग राष्ट्र राज्य ही बन जाए पर हाँ उसका उसकी यह मांग जरूर थी कि जो क्षेत्र है असम का उसे बाहरी लोगों से और बाहरी लोगों से यहाँ तात्पर्य सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों से नहीं था वो तो था ही पर उसके अलावा बंगाली लोग जो कि हिंदुस्तान के ही नागरिक थे या बिहारी लोग जो कि हिंदुस्तान के ही नागरिक थे या हैं उनको वहाँ से हटाने से संबंधित था तो ये एक तरीके से अपने देश के भीतर के जो समूह थे उनसे भी मुक्त करने की मांग कर रहा था और इस अर्थ में इसमें हम एक तरीके की पृथकतावाद की बू को देख सकते हैं पृथकतावाद की उपस्थिति को देख सकते हैं खैर हम यह भी जानते हैं कि नब्बे के दशक में इसकी उग्रवादी गतिविधियाँ काफ़ी कमजोर हुई और लेकिन इन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं माना जा सकता है आ, कई स्तरों पर भूमिगत रूप से ये अभी मौजूद हैं लेकिन हमें यह ज़रूर याद रखना होगा कि जो उल्फा है वह तो एक हिंसक गतिविधि के रूप में इन मुद्दों को उठा रहा था लेकिन एक अन्य संगठन अखिल असम छात्र संगठन या आंसू ने भी इस तरीके का आंदोलन चलाया और उसने भी यह मांग की कि जो बाहरी तत्व हैं वो राज्य से बाहर जाएं त्रिपुरा में करीब 40 साल पहले बंगाली अल्पसंख्यक हुआ करते थे आज त्रिपुरा के स्थानीय वासी अल्पसंख्यक हैं और बंगाली बहुसंख्यक होकर वहाँ की राजनीति और प्रशासन पर छाए हुए हैं त्रिपुरा में हुए अलगाववादी हिंसक संघर्ष का प्रमुख कारण इस विशिष्ट स्थिति में देखा जा सकता है इसके अलावा तो उत्तर पूर्व की अगर हम समस्या की बात करें तो मुख्य रूप से जैसे मैंने आपको बताया संक्षेप में मैं इसको फिर से इस रूप में रखना चाहूँगा कि जो समस्या है वह इस बात से संबंधित है कि कुछ समूह जो है वो मानते रहे कि वो कभी भी आ, किसी राष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं थे वो हमेशा से स्वतंत्र थे और अगर उन्हें मौजूदा समय में एक राष्ट्र राज्य से जोड़ा गया है तो उनकी पहचान के साथ गलत हो रहा है उनकी परंपरा उनकी जो पूरा इतिहास है उसकी अवहेलना की जा रही है कुछ समूह हैं जो यह मानते हैं कि उनकी जो पहचान है उसकी उपेक्षा या अवहेलना आस पड़ोस के राज्यों के द्वारा हो रही है या बाहर से आए लोगों के द्वारा हो रही है तो कई बार यह जो एक पृथकतावादी भावना है वह अलग देश की मांग के रूप में सामने आती है कई बार देश के भीतर एक बड़े राज्य की मांग के रूप में आती है कई बार वह इस रूप में सामने आती है कि उनका जो इलाका है वह उनके लिए रहे और बाकी सारे लोग जो वहाँ के हैं भले ही वो हिंदुस्तान के नागरिक हों वो वहाँ से बाहर चले जाएँ तो ये अलग अलग स्टेट्स में ये आंदोलन सामने आए हैं और हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि मौजूदा समय में जो भारतीय राज्य है उसने संवाद को की का सहारा तो लिया ही है वहाँ पर आ, सेना की भी उपस्थिति है और जो अलग अलग तरीके के भारतीय राज्य के संयंत्र हैं उनके द्वारा भी इन आंदोलनों का दमन करने या उन्हें नियंत्रित रखने की कोशिश की गई है और इस संदर्भ में भारतीय राज्य ने आपसपा कानून बनाया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और उसका भी उपयोग हुआ हुआ है आ, उसके बारे में एक लंबी आ, वाद विवाद की श्रृंखला है जिसके संदर्भ में मैं आगे थोड़ी विस्तार से चर्चा करूँगा तो ये उत्तर पूर्व की जो स्थिति है वो वहाँ पर हमेशा ही समाचार माध्यमों से हमें यह पता नहीं चलेगा कि वहाँ कोई हिंसक संघर्ष नियमित रूप से हो रहा है क्योंकि शायद ऐसा हिंसक हिंसक संघर्ष नहीं हो रहा है लेकिन जो म, म, जो बात है वो यह कि वहाँ पर पृथकतावाद की जो आगे मंद मंद मौजूद है और वह भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए चुनौती के रूप में भी है कि वह कैसे संवाद के द्वारा इन समूहों को अपने जो भारतीय राष्ट्र राज्य की परिकल्पना है उसमें सम्मिलित करें तो उसमें कई तरह के जटिल पहलू सम्मिलित हैं और उनमें अलग अलग राज्यों पर फिर आप अलग अलग तरीके से ध्यान दे सकते हैं उनके इतिहास को समझ सकते हैं और वहाँ विभिन्न समूहों के जो अभिन्न तरह की मांगे हैं उन पर भी विचार कर सकते हैं लेकिन चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं है और मैं सिर्फ आपको एक संक्षिप्त परिचय देना चाह रहा था उत्तर पूर्व की स्थिति का तो उसकी बातचीत को हम यहीं रोकते हैं और हम पंजाब के बारे में बातचीत करेंगे जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब इस बात का उदाहरण है कि वहाँ पर एक समय में विद्रोही गतिविधियाँ उभर कर सामने आईं और फिर वो विद्रोही उन विद्रोही गतिविधियों का शमन भी हुआ वहाँ शांति भी आई और वहाँ अब जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य है धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी पंजाब की राजनीति की ऐतिहासिक विशेषता रही है एक अलग धार्मिक समुदाय के रूप में सिखों की रचना एक राजनीतिक प्रक्रिया की ही देन है उन्नीस में इस राज्य का पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जिसके कारण भारत के हिस्से में आए पंजाब में मुसलमान आबादी न के बराबर ही रह गई आज़ादी के बाद सिखों के नेताओं द्वारा की गई अलग पंजाब सूबे की मांग नहीं मानी गई क्योंकि इसका सीधा मतलब था एक धार्मिक बहुमत वाले राज्य की स्थापना करना उन्नीस में हालांकि हरियाणा और हिमाचल को संयुक्त पंजाब से अलग करके पंजाब राज्य की रचना होने के बाद आ, भी कुछ समस्याएं अनसुलझी रह गई 1966 में एक अलग पंजाब राज्य बन गया हरियाणा के साथ पंजाब का नदी जल बंटवारा विवाद नहीं हल हुआ और चंडीगढ़ की पंजाब के साथ साथ हरियाणा चंडीगढ़ जो है पंजाब के साथ साथ वो हरियाणा की राजधानी बना रहा तो वो भी एक छोटे विवाद का केंद्र रहा है लेकिन अस्सी के दशक में खालिस्तान आंदोलन का उभार हुआ और आ, उसमें इन समस्याओं की भूमिका बहुत कम थी साठ के दशक में हरित क्रांति हुई जिसके गर्भ हरित क्रांति से एक मध्यवर्गीय सिख किसान उभर कर सामने आए जो नौ नौधनाढ़ वर्ग था और उसके भीतर धीरे धीरे यह भावना भी बलवती होती चली गई कि पंजाब देश को जितना देता है केंद्र सरकार उसके मुताबिक उसके साथ इंसाफ नहीं करती है और आ, जो एक पढ़ा लिखा तबका था जो कि विदेशों में स्थित था वह पंज एक पंजाब की अलग पहचान को बढ़ावा देने लगा और निश्चित रूप से इसमें जो धार्मिक आयाम था धार्मिक पहलू था उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जब देश का विभाजन हो रहा था पाकिस्तान बना उस समय भी कुछ नेताओं ने यह प्रयास किया था कि सिखों के लिए भी एक अलग राष्ट्र राज्य की बात या मांग जोर पकड़े हालांकि वह चीज़ नहीं चढ़ पाई लेकिन एक वह चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई लेकिन वह एक विचार के रूप में मौजूद रहा और उस विचार को जो खालिस्तानी जो संगठन थे जो बाद में बने और जो खालिस्तान का विचार था यानी कि सिखों के एक अलग राष्ट्र राज्य का विचार था उसको बढ़ावा दिया गया और उस संदर्भ में एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है जिसको तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है आनंदपुर साही प्रस्ताव जो है वह वर्ष उन्नीस में आनंदपुर साहब में पारित किया गया था इस प्रस्ताव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेश मामलों मुद्रा रक्षा और संचार की सहित केवल पांच दायित्व तो अपने पास रखते हुए बाकी अधिकार राज्यों को देने संबंधी बात कही गई थी इस प्रस्ताव को खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत माना जाता है यही वह दौर था जब पंजाब में अकाली दल की लोकप्रियता सिखों के साथ गैर सिखों के बीच भी बढ़ने लगी थी और उन्नीस के दशक के आरंभ में जो सत्तारूढ़ इंदिरा गांधी की आ, सरकार थी कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र सरकार उसने अकाली दल जो मुख्यतः नरमपंथी धार्मिक नेतृत्व की नुमाइंदगी करता था उसके खिलाफ उभरते हुए चरमपंथी और पुनरुत्थानवादी तत्वों संत जनरल सिंह भिंडरावाले को हवा देनी शुरू कर दी तो जो पहले एक बिंदु का उल्लेख मैंने किया था कि कई बार ऐसा हुआ कि जो केंद्र के राजनेता थे उन्होंने जो राज्यों की राजनीति थी उसमें अपना नियंत्रण कायम रखने के लिए कुछ ऐसे तत्वों को हवा दी जो कि पृथकतावाद की ओर उस पूरे राज्य को ले गया तो ये जो इंदिरा गांधी की राजनीतिक चूक थी उसको यहाँ पर रेखांकित करना ज़रूरी है क्योंकि आरंभ में उन्होंने ही संत जनरल सिंह भिंडरावाले को प्रोत्साहन दिया सोच यह थी कि जो अकाली दल नरमपंथी धार्मिक राजनीति कर रहे हैं उन्हें एक तरीके से नीचे लाया जाए और वो नीचे लाने का एक साधन यह भी हो सकता है कि उनकी जो आवाज़ है उनको बहुत ही अप्रासंगिक बना, बना दिया बना दिया जाए एक ज़्यादा उग्रवादी आवाज़ को सामने लाकर और यह भी इंदिरा गांधी की कई सभाओं के माध्यम से उदाहरण में सामने आता है कि वह इस चीज़ का यानी कि कट्टरपंथी जो तत्व थे उनके उनको मजबूती देने के इस तत्व का पंजाब के बाहर भी उपयोग करना चाह रही थी इस बात को सामने रखकर कि कैसे जो दूसरे अल्पसंख्यक समूह हैं वह हिंदुओं की भावनाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं या हिंदुओं की उपेक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक तरीके से दो तरफा राजनीतिक चूक थी आ, एक तरफ उन्होंने आ, अपने हिसाब से एक राजनीतिक दाव ही खेला कि पंजाब में उन्होंने अकालियों को अप्रासंगिक कोशिश कर, करने की कोशिश की और फिर जनरल सिंह भिंडरावाले का जो एक पूरा उभार था उसका उपयोग हिंदुओं के भीतर एक कॉन्सोलिडेशन या गुलबंदी करने के लिए की लेकिन एक समय पर इंदिरा गांधी को खुद ही एहसास आशा, हुआ कि भिंडरावाले जो हैं वो अजीब किस्म की नकारात्मक कट्टरवादी और पृथकतावादी राजनीति की ओर आगे जा रहे हैं और स्वर्ण मंदिर में हथियारों को जमा कर लिया गया है तो इस आधार पर उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति दे दी जून उन्नीस में जिसमें कि स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है वहाँ पर सेना घुसी जिसके कारण से एक तरफ तो जनरल सिंह भिंडरावाले मारे गए और भिंडरावाले के मारे जाने के बाद से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हथियार भी मिले थे लेकिन उससे एक असंतोष जो है वो सिखों के बीच में पैदा हुआ और वह असंतोष जो था जो ख़ालिस्तान की जो मांग थी उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला क्योंकि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वह इस बात का प्रमाण लोगों ने माना जो कि खालिस्तान के समर्थक थे कि भारतीय राष्ट्र राज्य उनकी धार्मिक आस्था की कोई परवाह नहीं करता है और हम सब जानते हैं कि इस पूरी परिस्थिति में ही श्रीमती इंदिरा गांधी की अत्यंत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उसके बाद की स्थिति में जो चरमपंथ है या जो हथियार बंद संघर्ष है वह काफ़ी बढ़ा पंजाब के युवाओं के बीच में एक ऐसा तबका उभर कर सामने आ गया जिसे यह लगने लगा कि जो भारत की सरकार है आ, या जो भारतीय राज्य है वह उनकी सिख पहचान की बिल्कुल कद्र नहीं करता है जो सिख देश के बाहर थे उन्होंने खालिस्तानी आंदोलन को एक तरीके से समर्थन प्रदान किया और एक ऐसा आ, हिंसक संघर्षों का दौर शुरू हुआ जो कि हम कह सकते हैं कि तकरीबन उन्नीस सौ तक या छानवे तक जब तक बेअंत सिंह की सरकार गठित नहीं हुई कांग्रेस की उस समय तक वह दौर चलता रहा और उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई और वो जो एक आतंकवाद का दौर था जो वहाँ पर उग्रपंथी पैदा हुए थे वो खुद पंजाब की मिट्टी से ही पैदा हुए थे सिख परिवारों के लोग थे लेकिन धीरे धीरे करके इसे नियंत्रित किया गया हालांकि इसे नियंत्रित करने में एक तरफ तो जो राजीव गांधी थे उनकी कोशिशें थी उन्होंने अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता किया और उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव कराए पर स्थिति और बिगड़ी और बाद में नरसिम्हा राव के समय स्थिति संभली थी उसमें आ, के पी एस गिल की भी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है यानी कि आ, जो चुनाव या लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रास्ता था वह भी अपनाया गया उसके साथ ही एक तरीके से जो उग्रपंथित तत्व थे उनको नियंत्रित करने के लिए आ, पुलिस या सैन्य बल का भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद पंजाब में शांति आई वहाँ एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह पूरी तरीके से अलगावादी प्रवृत्तियों से दूर है और यहाँ तक कि स्थिति है कि अगर अभी किसी पंजाबी युवक को या पंजाबी व्यक्ति को पंजाब के किसी नागरिक को जो हिंदुस्तान का ही नागरिक वो पंजाब सूबा में या पंजाब प्रांत में रहता है अगर उसे खालिस्तानी कह दिया जाता है तो वह एक बहुत ही अपमानजनक और भद्र टिप्पणी मानी जाती है आ, अभी जो 2020-21 में किसान आंदोलन चला और उसे जब आ, कुछ तत्वों के द्वारा खालिस्तानियों का आंदोलन कहा गया तो जो आंदोलनकारी किसान थे या जो किस पंजाब के किसान संगठन थे उन्होंने बहुत ही तीव्रता के साथ बहुत ही तीखेपन के साथ और बहुत ही जोर देकर इस बात को नकारा और इसे अपमानजनक माना तो एक तरीके से कुछ विदेशों में ऐसे तत्व हो सकते हैं कनाडा जैसे देशों में जो जिनके मन में अभी भी खालिस्तान एक आकर्षक संकल्पना हो लेकिन यह आंदोलन पूरी तरीके से आ, हम कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है और जो एक पृथकतावादी राजनीति शुरू हुई थी और यह भी गौर करने की बात है कि जब यह पृथकतावाद का आंदोलन चल रहा था तो उसे पाकिस्तान की ओर से भी काफ़ी शह और प्रोत्साहन मिला था और यह मामला हम कश्मीर के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि जैसे ही पड़ोसी देशों को मौका मिलता है वो तो भारत के भीतर पृथकतावादी प्रवृत्तियों को हवा देने से नहीं चूकते हैं कश्मीर में क्या स्थिति थी कश्मीर में जो क्षेत्रीय असंतोष था उसमें नेहरू की नीति को एक तरीके से नाकाम नीति के रूप में देखा जाता है आज़ादी से पहले कश्मीर एक देसी रियासत था जिसके बस मुसलमान लेकिन राजा हिंदू था जिसने विभाजन के समय भारत या पाकिस्तान में मिलने के सवाल पर ढुलमुल रवैया अपनाया उधर पाकिस्तान की फौज 1948 में मार्च करते हुए राजधानी श्रीनगर के पास पहुंच गई इस संकटपूर्ण परिस्थिति का नतीजा कश्मीर में विभाजन में निकला एक छोटा सा हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में पाकिस्तान के पास चला गया और कश्मीर घाटी जम्मू और लद्दाख का भारत में विलय हो गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया और यह अनुच्छेद भारतीय संघ में कश्मीर को एक विशेष जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था बाद में आगे मैं बताऊंगा कि इसे निरस्त कर दिया गया है तो लेकिन जब ये था तो वो एक विशेष स्थिति में था और कश्मीरियों का हमेशा से मानना रहा है कि वे अलग समाज या राष्ट्र हैं कश्मीरी इस्लाम भी भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले इस्लाम के रूपों से अलग है नेहरू राष्ट्रवाद की धर्म आधारित अभिव्यक्तियों को शक की निगाह से देखते थे इसलिए कश्मीरियों के नेता शेख अब्दुल्ला की राजनीति उन्हें पसंद नहीं आई अपनी तरफ से शेख की कोशिश थी कि वे पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीरी अस्मिता की दावेदारी के आधार पर क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करें हालांकि शेख अब्दुल्ला के बारे में यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि वो एक तरीके की प्रगतिशील राजनीति का भी प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें उन्होंने ज़मीन में जमीन कश्मीर में जमीन के बंटवारे की बात की और काफ़ी हद तक वो एक कट्टरपंथी इस्लामी राजनीति की ओर जाने से परहेज़ करते थे हालांकि जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया कि बाद के समय में यानी कि उन्नीस सौ पचपन छप्पन तक आते आते चौवन तक आते आते उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि वो ये चाहते थे कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में अपनी एक स्थिति हासिल कर लें वो काफ़ी लोकप्रिय नेता थे और इस कश्मीरियत पर मुसलमान बहुसंख्या की स्पष्ट छाप थी जिसे वो बढ़ाना चाहते थे यहाँ भाषा और धर्म परस्पर व्यापी थे नेहरू जैसे सेकुलरवादियों को यह खास तरह की स्थिति असहज करने के लिए काफ़ी थी संभवतः इसी कारण से नेहरू ने कश्मीर में असाधारण किस्म का हस्तक्षेपकारी रवैया अपनाया जो आमतौर पर वो नहीं करते थे

अविश्वास का रिश्ता बना दिया शेख अब्दुल्ला और फिर उनकी बेटी फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर चले जाने के कारण कश्मीरियत के आधार पर पनपी पृथकतावादी राजनीति का नेतृत्व पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पास गया और फिर वह हुरियत कॉन्फ्रेंस के हाथों में चला गया जो आ, यह जो पूरी स्थिति है उस विषम स्थिति में सीमा पार से भेजे जाने वाले आतंकवादियों के कारण कश्मीरी स्वायत्ता की मुहिम हथियारबंद अलगाववाद की के चंगुल में जा चुकी है आतंकवाद से पैदा हुए जान माल के खतरे के कारण घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और एक तरीके से जो कश्मीरियत का सेकुलर चरित्र था उसने इसको नुकसान पहुंचाया। यह पलायन 1990 की दशक की शुरुआत में यानी वर्ष 1990 में मुख्य रूप से हुआ जब वीपी सिंह की सरकार थी जिसे कि जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी और जिसे वाम दल और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रहे थे और यह जब घटना हुई तो बार बार बाद में इसका जिक्र आता है लेकिन यह खुद कश्मीरियत के लिए यह एक नकारात्मक परिघटना के रूप में थी और बीच बीच में तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम के कारण अब लगता है कि या लगता रहता है कि कश्मीर की समस्या समाधान की ओर जा रही है हर बार यह जो भावना है वह एक खोखली उम्मीद साबित होती है भारतीय राज्य किसी न किसी राजनीतिक गलती के कारण कश्मीरी जनता को और अलगाव में डालता चला जाता है अब यहाँ यह कहना गलत नहीं है कि वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वह बहुत ही आ, ऐसी नहीं है जिसे लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थिति माना जा सके फौज की कार्रवाई के बावजूद लोगों के मन से जो अलगाव की भावना है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है तो ये एक भारतीय राष्ट्र राज्य के रूप में चुनौती के लिए के रूप में है ये स्थिति और इसी संदर्भ में भारत की जो केंद्र सरकार है उसने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद तीन को हटा दिया और राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया और इस रूप में ये जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो पूरी व्यवस्था है इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया है और यह विधेयक पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में पारित हुआ तो ये जो एक पूरी स्थिति है उसमें अनुच्छेद सत्तर के अधिकतर प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है और इसमें अनुच्छेद 370 सौ एक को कायम रखा गया है जो संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित है तो ये जो पूरी स्थिति है उसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि जो कश्मीर है वो ख़ास तौर तो पर कश्मीर का इलाका जम्मू और लद्दाख वहाँ पर चूँकि गैर मुस्लिम आबादी है तो उसकी स्थिति कश्मीर से भिन्न हो जाती है क्योंकि जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है या पाकिस्तान के द्वारा जो शह है या जो अलगावादी गतिविधियां हैं वह धार्मिक आधार पर कश्मीर में ही चलाई जा सकती हैं लेकिन वहाँ की जो समस्या की जो मुख्य बात है वह यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वह लंबे समय से या बीच बीच में लंबे लंबे समय तक बाधित होती रही है और उसको बाधित करने में भारतीय राज्य चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो उसकी गलतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है मिसाल के तौर पर यह माना जाता है कि जो 1987 का जो इलेक्शन था वहाँ पर अगर गड़बड़ियाँ नहीं हुई होती और ज़बरदस्ती केंद्र सरकार की के दखलंदाजी नहीं होती तो कश्मीर में जो उग्रवाद का एक माहौल शुरू हुआ नब्बे के दशक के आरम्भ में वो नहीं होता और यह भी इसमें गौरतलब है कि बहुत सारे ऐसे नेता उन चुनावों में चुनाव जीते थे उन्हें हारा हुआ करार दे दिया गया और बाद में उग्रपंथी या आतंकी नेता बन गए दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है जो है वह यह है कि जो कश्मीर के भीतर जो नई पीढ़ी के लोग आए हैं वहाँ पर आ, उनके भीतर भारतीय राज्य के प्रति जिस तरीके का जुड़ाव होना चाहिए था वह स्थापित नहीं हो पाया है और शायद उसे स्थापित करने का तरीका संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही हो सकती है तो यह ज़रूरी है कि भारतीय राज्य इस दिशा में काम करे और अभी जो यह कदम उठाया गया है धारा 370 को हटाने का वह एक स्तर पर सही भी माना जा सकता है इस लिहाज से क्योंकि वह एक ऐसी धारा को खत्म करने की तरह है जो कश्मीर को आम जो या संपूर्ण जो अन्य भारत का क्षेत्र है उससे अलग करता है लेकिन इस संदर्भ में यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि देश के कई अन्य भागों में भी इस तरीके के प्रावधान हैं यानी कि लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं कश्मीर में विशेष रूप से प्रावधान है कि जो या था जो धारा 370 के अंतर्गत वो आ, कई अन्य ऐसे मसले थे मिसाल के तौर पर आ, जो प्रत्येक कानून था वो कश्मीर की विधानसभा के द्वारा स्वीकार करने के बाद ही वहाँ लागू होता था तो इस तरह की जो बातें थीं उससे आ, वह तब तक कारगर नहीं हो सकती हैं जब तक कि खुद वहाँ के लोग यह महसूस ना करें कि जो चाहे धारा 370 को हटाने का काम है या दूसरे जो कदम है वो उनकी अपनी भलाई के लिए हैं तो इस संदर्भ में जो कश्मीर की जो स्थिति है वो पेचीदा इसलिए है क्योंकि एक तरफ वहाँ पर बाहर से आतंकवाद को का प्रसार किया जा रहा है दूसरी तरफ कम से कम कश्मीर में युवाओं का या अन्य पृथकतावादी नेताओं का एक ऐसा समूह है हम यह नहीं कह रहे कि सभी लोग पर कुछ ऐसा समूह जरूर है जो यह मानता है कि भारत उनके साथ लगातार गलत करता रहा है तो इस दोनों ही भावना को एक तरफ जो हथियारबंद उग्रपंथी पृथक्तावाद है उसे सैन्य माध्यमों से दबाया जा सकता है लेकिन आखिरकार एक संवाद ही वह रास्ता है जिसके माध्यम से इस पूरी समस्या को सुलझाने की ओर बढ़ा जा सकता है या जो लोगों के मन में जो पृथक्तावाद या अलगावाद की भावना बसी हुई है उसे दूर करने की कोशिश की जा सकती है एक अन्य स्तर पर जैसे मैंने कहा था कि हम आंतरिक विद्रोह के एक उदाहरण पे बात करेंगे जो विद्रोही गतिविधि के रूप में है जो आवश्यक रूप से पृथक्तावादी नहीं है और वह है माओवादी आंदोलन मौजूदा समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सबसे प्रमुख माओवादी समूह है इसका गठन माओविस्ट कम्युनिस्ट सेंटर तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी पीपुल्स वार के विलय से इकतीस सितंबर दो को हुआ था भारत सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाकर रखा है और यह संगठन लोकतांत्रिक या संसदीय चुनावों पर आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करता है और यह एक तरीके से जो नक्सलवादी राजनीति उभर कर सामने आई थी उससे यह उभर कर संगठन आया पीछे के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको यह बताया है कि कैसे नक्सलबाड़ी से जो आंदोलन शुरू हुआ वह उन्नीस के दशक में अलग अलग समूहों में बटा फिर आ, कुछ समूह प्रमुखता से उभर कर सामने आए मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की है उन लेक्चर्स में कि जो नक्सलवादी समूह हैं उनकी राजनीति को आ, एक तरफ जंगल की क्षेत्र में की राजनीति और मैदानी क्षेत्रों की राजनीति में बांटा जा सकता है और आ, मैदानी क्षेत्रों में बिहार के क्षेत्रों में जिस तरीके से इस आंदोलन का विकास या प्रसार हुआ और जंगल के क्षेत्रों में आंध्र झारखंड छत्तीसगढ़ इनके जो जंगली इलाके हैं जो आपस में मिले भी होते हैं वहाँ पर जो माओवादी राजनीति का विकास हुआ वो मैंने आपको यह भी बताया था कि शुरुआत में सभी नक्सलवादी माओवादी नहीं थे उसमें अलग अलग तरह के समूह थे लेकिन बाद में जो माओवाद का जो तत्व है वह काफ़ी प्रमुख होता गया और जो कई अन्य समूह थे जो पहले नक्सलवाद का के, धारा से निकले थे जो भारत के संसदीय लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगाते थे वो चुनावी राजनीति में सम्मिलित हो गए जिसमें कि सी पी आई एम एल प्रमुख है लेकिन जो माओवादी समूह हैं वह माओवाद को फॉलो करते हैं जो कि हिंसा के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन करना चाहता है जो यह मानता है कि जो बंदूक की नली होती है उसी से क्रांति निकलती है जो यह विश्वास करता है कि हिंसक छापामार युद्ध के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है मिसाल के तौर पर हिंसक छापामार युद्ध को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों का एक बड़ा समूह जाए और जो सत्ता के प्रतिष्ठान है वहाँ पर कब्जा कर ले यानी कि सीधे तौर पर युद्ध या लड़ाई करने के बजाय अगर एक इलाके के पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया जाए और एकदम से बहुत सारे लोग छापा मार के उस पर कब्जा कर ले तो वो छापा मार युद्ध है अब इसमें जो माओवादी समूह हैं मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ झारखंड और आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों में इनका प्रभाव है कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर इनका आ, इनके बारे में यह दावा किया गया है कई पुस्तकों में कि वहाँ उनकी छोटी सी सरकार भी चलती है हालांकि आ, इस तरह की किसी सरकार के अस्तित्व के बारे में भारत सरकार की ओर से कोई दस्तावेज जारी नहीं किया गया है आ, लेकिन उनकी विद्रोही गतिविधियों के बारे में कई सारे दस्तावेज पूर्व योजना आयोग के द्वारा और मौजूदा समय में भी उपलब्ध है जिसे आप पढ़ सकते हैं लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये भारत के किसी भाग को भारत से अलग नहीं करना चाहते बल्कि इसका लक्ष्य यह है कि यह खुद भारतीय राज्य पर कब्जा करे, जो दल है इसकी गतिविधियां हिंसा प्रतिहिंसा के एक अंतहीन सिलसिले को जन्म देती हैं और चूँकि इनका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है इसलिए ये बहुत ही आसानी से हिंसक माध्यमों का उपयोग करते हैं और उससे जान माल की का नुकसान होता है और भारतीय राज्य को भी इनका दमन करने के लिए इनका नियंत्रण करने के लिए कई बार हिंसक गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है और असल में अगर हम आंतरिक विद्रोह या पृथकतावाद से निपटने के बारे में बात करें तो हमें दो स्तर पर चीज़ों को समझना होगा एक तो ये कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जैसी जो कानून हैं या कई बार भारतीय राज्यों के भारतीय राज्य के द्वारा जो सलवा जुडूम या फिर ऑपरेशन ग्रीनहंड जैसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं उन सबसे जो लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं जिन क्षेत्रों में विद्रोही गतिविधियाँ चल रही हैं पृथकतावादी या और भी जो देश से अलग नहीं पर एक अलग तरीके से विद्रोह कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है सलवा जुडूम जैसी गतिविधियों को खुद सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया था और जो आपसपा जो कि उत्तर पूर्व के राज्यों में है और कश्मीर में है जिसमें कि आ, सेना को कई तरह की छूट प्रदान की गई है इस तरह की गतिविधियों में आ, और एक तरीके से उनके लिए विशेष व्यवस्था है कि अगर आ, वो उनके द्वारा किसी की हत्या हो जाती है किसी को मारा जाता है तो उन पर मुकदमा नहीं चलेगा तो इस तरह की स्थिति के कारण भी कई बार स्थानीय स्तर पर कई तरह की गलतियां हुई हैं और, और जो ये समूह हैं उनकी तरफ से जो हिंसा होती है फिर भारतीय राज्य की तरफ से जो प्रतिहिंसा होती है उसके कारण नागरिकों को बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है मुझे यह लगता है कि जो भारतीय राज्य है उसके सामने जो पृथकतावादी आंदोलन या हिंसक आंदोलन है उनसे निपटने के लिए हिंसा का उपयोग करना एक अपरिहार्यता हो जाती है एक मजबूरी हो जाती है क्योंकि अगर कोई समूह देश को तोड़ने की बात कर रहा है या अगर कोई समूह लगातार हिंसा कर रहा है तो भारतीय राज्य के सामने उसके उसके साथ हिंसक तरीके से बर्ताव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है लेकिन इसके साथ साथ संवाद का रास्ता भी भारतीय राज्य को खुला रखना चाहिए और भारतीय राज्य ने अतीत में खुला रखा है संवाद के माध्यम से कई चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की गई है और कई बार आ, हम यह जरूर देख सकते हैं कि दमन के तत्व की प्रधानता हो जाती है जो पृथकतावादी समूह हैं उनके खिलाफ तो आ, जो पृथकतावाद या आंतरिक विद्रोह हैं उनसे निपटने का रास्ता यही है कि जितना हो सके उतना संवाद से इन समूहों को लोकतंत्र की धारा से जोड़ा जाए हालांकि जो भारतीय राज्य के द्वारा की जाने वाली हिंसा है उसकी अपरिहार्यता को भी हमें स्वीकार करना होगा हालांकि हिंसा हर स्तर पर और हर किसी के द्वारा जो की जाती है वो गलत है लेकिन जब देश की अखंडता की बात आती है तो भारतीय राज्य के सामने उस अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग करना एक अपरिहार्यता एक या एक मजबूरी बन जाती है लेकिन यह ज़रूर है कि ऐसा करने के बावजूद जो संवाद का रास्ता है उसको सबसे प्रमुख रास्ता माना जाना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके वहाँ तक एक धैर्य के साथ जो जहाँ विद्रोही गतिविधियाँ चल रही हैं या पृथकतावादी गतिविधियाँ चल रही हैं वहाँ की स्त्री कोशिश की जानी चाहिए पूरी चर्चा है उसमें मैंने आपको पृथकतावाद के अर्थ और ऐतिहासिक रूप से इसके विकास के बारे में बताने की कोशिश की मेरी यह कोशिश रही कि मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन पृथकतावादी गतिविधियों या फिर माओवाद के रूप में चलने वाले आंतरिक विद्रोह की गतिविधियों की एक समझ आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ और मुझे यह भी उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आप इन पहलुओं से जो पढ़ेंगे जो कि कई पुस्तकें हाल में प्रकाशित हुई हैं जो बहुत अच्छी हैं इसके अलावा ऐतिहासिक समझ के लिए भी कई दस्तावेज और कई लेख कई पुस्तकें मौजूद हैं और उसके उनके माध्यम से आप इन प्रश्नों की ज़्यादा गहरी समझ बना सकते हैं तो मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ अगले आ, एपिसोड में हम भारतीय राजनीति के एक अन्य पहलू पर विस्तार से बातचीत करेंगे नमस्कार